Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. 50 साल का बाबा 10 साल की बच्ची के साथ शादी करे, आप उसको पीडोफाइल बोलेंगे कि नहीं? सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन थी. वैसे राजस्थान में तो होती रहती है ऐसी शादियां. वैसे राजस्थान में भी ऐसी शादियां होती है. परफेक्ट. राजस्थान में हर ऐसे बंदे को, राजस्थान में हर ऐसे बंदे को हम पेडोफाइल बोलेंगे. आप बोलेंगे मेरे साथ? जी भाई बिल्कुल बोलेंगे. डिपेंड करता है कैसी क्या कंडीशन है. पहले मैं कहना चाहूंगी कि साहिल भाई, क्या मैं सिर्फ आपसे बात कर सकती हूँ? क्योंकि आपको नहीं लगता है थोड़ा सा अनफेयर डिबेट हो जाएगी कि तीन तीन मर्द मेरे अगेंस्ट खड़े होंगे? और वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फेयर रखना चाहती हूँ. अच्छा जूफी जी, सबसे पहली बात, कोई आपके अगेंस्ट नहीं खड़ा है, हम आपके साथ है, डिस्कशन हो रहा है, आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखेंगे. कोई आप पे जो है वो ऐसा कोई हमला करने के तो अच्छा, मैं एक फेवर ले सकती हूँ कि जब हम दो बात करें, लाइक जब मैं एडम्स जी से बात करूँ तो सिर्फ वही मुझे जवाब दें, और जब मैं आपसे बात करूँ तो सिर्फ आप ही जवाब दें. हम ऐसा फेयर रखेंगे. ओके ठीक है ठीक. अच्छा साहिल जी, आपने मुझसे पूछा कि मैं मोमिना हूँ, और मैं आपसे पूछूं कि आप जैसे एक्स मुस्लिम हैं, वो मैं देख सकती हूं, तो आप अभी रिसेंटली क्या फॉलो कर रहे हैं? रिसेंटली मैं साहिलिज्म को अभी बना रहा हूं, अंडर कंस्ट्रक्शन में. जी जी तो फैसिनेटिंग है काफी सुनने में. तो आप अभी जैसे हर इंसान का एक उसूल होता है जिंदगी जीने का, है ना, हम सबके पास में, तो जैसे कि हमारे पास में भी है ना, मुस्लिम्स के पास, तो साहिलिज्म में क्या मंत्र है जिसके बेसिस पे आप? क्या जी जी उसूल मंत्र बताऊंगी. हाँ साहिल भाई, वैसे मोहम्मद साहब ने तो 23 साल लगाए थे. आप कितने साल लेंगे पहले ये बता दें. मैं 23 नहीं लूंगा. अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है आदम भाई. उससे पहले ही खत्म कर लेंगे. 20 को साल तक गेम सेट कर देंगे आप प्लीज? गेम सेट कर देंगे 20 साल. ओके डन डन डन. हां जी भाई, मैं ऐसा, आपका क्या उसूल है जी? भाई मैं बिल्कुल बताऊंगी, पर पहले जैसे आपने मुझसे आइटल कुर्सी पूछी, अब मेरा टर्न है. ठीक है जूफी, आपके क्या उसूल है? भाई मैं वो बिल्कुल बताऊंगी, पर देखो आपने मुझसे आइटल कुर्सी पूछी, मेरा टर्न है. अब मैं आपसे एक चीज पूछूं. जी 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 जी, आपके क्या उसूल है पहले बताइए. भाई वो तो मैं जो इस्लाम में दे रखे हैं मैं बिल्कुल वही फॉलो करती हूँ, तो मैं उसी के बेसिस पे आपसे पूछ रही हूँ कि साहिलिज्म में आप कौन सा मंत्र दे. भाई आपने मुझसे आपने मुझसे आयत पूछी. जी रुको रुको रुको, जी जी जी, संयम से. ठीक है, साहिलिज्म अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब पूरा हो जाएगा ना तब उस पे बात करेंगे. आपके उसूल आप इस्लाम से लेती है राइट? जी भाई, पर एक मिनट मेरी बात सुने. मैं बिल्कुल मानती हूँ कि साहिलिज्म अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर कुछ एक कुछ उसूल तो होगा ना आपकी जिंदगी जीने का, वो क्यूरियस हूँ आपको लेकर, समझ रहे हो? मैं सीखने आई हूँ आपसे भी. अभी अभी तो आप लॉ ऑफ इंडिया को मान रहे हैं ना, जो भी है. हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं अभी. अभी कॉन्स्टिट्यूशन में आपने अपना कुछ फिलहाल चेंज नहीं किया? तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मंत्र नहीं है आपकी जिंदगी जीने का जो आप बेस बना के चलते हैं कि लाइक हाँ ऐसे मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, मतलब ये मेरे उसूलों में आता है? जूफी जी अभी कंस्ट्रक्शन में है, और उस बेस मंत्रा में एक चीज ये है कि जो भी पीडोफीलिया वाला अमल किया है वो एक बेगैरत इंसान है. हमारे उसूल में अंडर कंस्ट्रक्शन में एक चीज तो ये लिख दी गई है कि जो पीडोफीलिया है, पीडोफाइल है, ये एक बेगैरती वाला अमल है, और जो भी इस पे अमल किया है पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, ये बेगैरत इंसान होगा. क्या मेरे इस उसूल से आप इत्तेफाक रखती है या नहीं रखती है? भाई पहले आप साहिलिज्म को डिफाइन करें. अरे उसी का बता रहा हूँ, अंडर कंस्ट्रक्शन. पर थोड़ी बहुत तो डेफिनेशन हुई होगी ना, जैसे जैसे हमारा कलमा है, जैसे हमारा कलमा है तो वो ऐसा है कि अच्छा सुने ना, जैसे कलमा है तो वो ऐसा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है, तो वैसे ही मैं आपसे एडम भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब साहिल भाई से बात करूं तो वो जवाब दे. भाग रही, भागे नहीं, भागे नहीं, क्योंकि नहीं भाई बिल्कुल बिल्कुल मैं यही हूँ. देखिए कलमा कब आया था? बिल्कुल बिल्कुल कलमा कब आया था? कलमा कब आया था?
हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये कलमा दिया है. اللہ کا کلمہ ہے تو آیت دے دیں قرآن کی, قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے کلمے کی. سب سے پہلے کلمہ جو آپ اچھا ایڈم بھائی ہم اس پر بھی آئیں گے. میں کیا کہہ رہی تھی ایڈم بھائی, ہم بالکل اس بات پہ آئیں گے ٹھیک ہے, لیکن میں آؤں گی نہیں آج تک کیونکہ میں پچھلے نہیں میں بالکل آؤں گی بالکل بھائی, میرے ورڈز ہیں, میری بات سنیں, میرے ورڈز ہیں. میں وعدہ کیا تھا کہ میں پیڈوفائل پروفیٹ پہ میں بات کروں گی, میں نے وعدہ کیا تھا, لیکن میں اب نام چینج کر کے آئی ہوں اور میں پیڈوفائل نبی پہ بات نہیں کروں گی. نہیں بالکل بات کریں گے, الحمدللہ ہم کو اتنے پیارے نبی ملے ہیں, ہم ان پہ 10 بار بات کریں گے. ایک منٹ, نہیں نہیں بھائی ہم بالکل بات کریں گے ان پہ. اچھا سنو تو صحیح, ویڈیو میں آپ نے بولا پیڈوفائل مومنٹ کو آگے بڑھانا چاہیے, ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. کون سی ویڈیو, کون سی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا؟ کون سی, ہم لوگ کو آگے بڑھانا چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. بھائی میں یہ میں نہیں ہوں. اچھا تو آپ پیڈوفائل مومنٹ کو سپورٹ نہیں کرتی ہے؟ اچھا کون سا پیڈوفائل مومنٹ بھائی, آپ کون سی, کیا پیڈوفیلیا کے پیچھے, پیڈوفیلیا کسے کہتے ہیں؟ ایک سال سے پہلے پتہ لگا نہیں پیڈوفیلیا کا پتہ بھی ہے کہ نہیں. ایڈم بھائی ایک تو بالکل میں آپ کو بتاتی ہوں, پیڈوفائل وہ ہوتے ہیں جو کافی انڈر ایج بچوں کو ڈیٹ کرنے میں یا ان کے ساتھ میں ریلیشن بنانے میں. میں آپ پورا پورا سنیں بھائی, آدم بھائی آپ, ایڈم بھائی آپ پورا تو سنیں, آپ ٹوک دیتے ہیں بیچ میں, دیکھیں ہم جواب نہیں دینے دیتے. میں آپ بہت لمبی سٹیٹمنٹ بولتے ہیں, سیدھا سیدھا بولیں نا جو بولنا ہے. نہیں میں آپ کی طرح سپیڈ میں تو نہیں بول سکتی, تو بھائی جن کو ان کے ساتھ میں ریلیشن مینٹین کرنے کی حوس ہوتی ہے تو ان کو پیڈو بولتے ہیں. تو اگر کوئی 50 سال کا بابا 10 سال کی بچی کے ساتھ شادی کرے اور سیکس کرے تو کیا اس کو پیڈوفائل بول دیں گے؟ جی ایڈم بھائی میں آپ کو اس بات کا جواب دوں گی, پہلے ساحل بھائی آپ کچھ بتا رہے تھے کہ ساحل ازم میں میرے یہ رولز ہیں. نہیں نہیں اس ساحل نے کہا ہے کہ اس کے پاس ابھی رولز نہیں ہیں, وہ بنا نہیں ہے ابھی, جو ہے نا وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. نہیں وہ کچھ رولز ایکسپلین کر رہے تھے, نہیں وہ کچھ وہ مورالٹی پہ کچھ رولز ایکسپلین کر رہے تھے. او بہن محمد نے بھی پہلے 3 سال دنیا میں کسی کو ککھ نہیں بتایا تھا, اپنے خاندان تک رکھا تھا ٹھیک ہے, اور ابھی ساحل کو 3 سال نہیں ہوئے تو ابھی وہ بنا رہا ہے. محمد بھی 3 سال بھی صرف چپ کر کے بناتا رہا تھا. ساحل بھائی کا کمپٹیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہاں بے شک, آخری پیغام والا نبی تو وہی تھا, تو وہ ساحل بھائی زندہ لوگوں سے کمپٹیشن رکھے نا, کیا ہو گیا ابھی اتنے سارے لوگ ہیں, میں ہوں مجھ سے, آپ مجھ سے رکھے کمپٹیشن, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, آپ سیدھا ایک دم پاس میں جا رہے ہیں, آپ سامنے بات کر رہے ہیں. آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ الحمدللہ بالکل, ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں میں میرا دعویٰ نہیں کرتی ہوں, ہم ہمارے نہیں, میں کیوں کروں گے بھائی, کیسے بات کر رہے ہیں, میں کیوں کروں گی. اچھا ایک اور بات سنیں, ابھی واپس آ جائیں, 50 سال کا بابا 10 سال کی لڑکی کے ساتھ سیکس کرے شادی کر کے, آپ اس کو پیڈوفائل بولیں گے کہ نہیں؟ جی بھائی ریپیٹ کریں, 50 سال کا بابا 10 سال کی بچی کے ساتھ شادی کرے, آپ اس کو پیڈوفائل بولیں گے کہ نہیں؟ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا سچویشن تھی, ویسے راجستھان میں تو ہوتی رہتی ہے ایسی شادیاں, ویسے راجستھان میں بھی ایسی شادیاں ہوتی ہیں. پرفیکٹ, راجستھان میں ہر ایسے بندے کو, راجستھان میں ہر ایسے بندے کو ہم پیڈوفائل بولیں گے, آپ بولیں گے میرے ساتھ؟ جی بھائی بالکل بولیں گے, ڈیپینڈ کرتا ہے کیسی کیا کنڈیشن ہے, ڈیپینڈ کیا کرتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک سیکنڈ ایڈم بھائی گئے بھاڑ میں, یہ ڈیپینڈ کیا کرتا ہے, جو آپ کی کنڈیشنز ہیں نا ڈیپینڈ کرنے کی وہ بیان کریں پلیز. ڈیپینڈ والی کنڈیشنز بھائی میرے کو, میں I need conditions. ایک ارے ریلائز بھائی ہم بولنے تو دیں, نہ 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 کنڈیشنز سیدھا میں کون سی میں کرتا ہے نہیں بولنا. دیکھیں کہ کس, آپ کا کہنا ہے کہ اگر 50 سال کا آدمی 8 سال کی لڑکی کے ساتھ میں کوئی ایسی 10 سال بولا میں نے, جی 10 سال کا 10 سال کی لڑکی کے ساتھ میں ریلیشنز مینٹین کرتا ہے تو پیڈوفائل ہے یا نہیں؟ شادی کر کے جی, تو شادی کرنا, اچھا شادی کر کے اور کچھ کرنے میں غلطی کیا, یہ بتائیں. بہت سارے ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں پر ایج میٹر نہیں کرتی,
हेलो बहन, जी जी भाई मैंने पूछा है जी, शादी करके नंबर वन उसको पीडोफाइल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपने कहा डिपेंड करता है, गिव मी द कंडीशन। नहीं सॉरी, मैंने आई एम रियली सॉरी, मैंने शादी वाला वर्ड नहीं सुना था, ठीक है? तो बिल्कुल वैसे मैं आपको शादी का नहीं भाई मेरे, मैं शादी ही आपको रीजन देती हूँ, पर आपने जैसे ही कहा कि जी भाई। अरे बहन सुन ना, इसका मतलब है अगर शादी भाई एक तो करके, आप यार आप ऐसे चीखने लगते हो, मैं इतने धीरे धीरे प्यार से बात कर रही हूँ। आप बात ही ना करें, अपनी स्टेटमेंट देके चुप करें, आपको किसने कब से आगे चले? ओके, आप मुझे ये कह रही हैं कि अगर 50 साल का बाबा 10 साल की लड़की के साथ शादी करके सेक्स करे तो वो पीडोफाइल नहीं कहलाएगा, इज दिस योर कंडीशन? जी जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पीडोफाइल की किसी भी डिक्शनरी में ये दिखा दें कि पीडोफाइल कहलाने के लिए शादी करना जरूरी है। पिक अप एनी डिक्शनरी। अच्छा आप डिक्शनरी पे चलते हैं तो आप मेरे को बताएं कि आप पहले आप पहले कौन ये सा बता रिलीजन दें, फॉलो करते हैं? पहले ये बता दें नहीं, फिर बिल्कुल मैं आगे इसका जवाब दे, आगे मैं चल आपके ही हर जवाब का सवाल का जवाब दूंगा। मुझे इसका जवाब दे दें, दुनिया की किस डिक्शनरी में शादी करके अगर छोटी बच्ची के साथ सेक्स किया जाए तो वो पीडोफिलिया में नहीं अच्छा आएगा? मैं एनी डिक्शनरी, एनी लुगत, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी इस बात का जवाब नहीं, ना 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 ना, इसका जवाब दे, उसके बाद 100 सवाल कीजिए, मैं आपके 100 सवालों का जवाब दूंगा। नहीं, इसका जवाब दे, मैं आप मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल आपको इस बात का जवाब दे रही नहीं हूँ, ठीक है? ना, और हम इसी पहले इसका टॉपिक जवाब, पे पहले जुड़े हुए इसका हैं, जवाब, पहले इसका जवाब, हम इसी टॉपिक पे जुड़े हैं, पहले इसका ठीक है? जवाब, हम इसी टॉपिक पे जुड़े हैं भाई, ठीक है? पहले मैं इसका जवाब जवाब दे रही हूँ दे। आपको इसका मतलब है दुनिया जी। की किसी डिक्शनरी, किसी लुगत में शादी करो या ना करो, छोटी बच्ची के साथ सेक्स करना पीडोफिलिया में आता है, करेक्ट? चलो ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात। ओके, ओके, सो मोहम्मद वाज अ अब पेडोफाइल, मैं बोलूं जी, सो अब मोहम्मद मैं वाज अ आपको एक बात पेडोफाइल, बोलूं, अब मैं सो आपसे कुछ पूछना मोहम्मद चाहती वाज हूं, मैं ए पूछूं, पेडोफाइल, राइट? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं, मैं बिल्कुल पूछूं पूछिएगा, सो मोहम्मद वाज अ पेडोफाइल, करेक्ट? जी। आपने मुझे कहा था सानिया, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू भाई सो वेरी मच। साहिल साहब, मोहम्मद वाज अ यार पेडोफाइल, शी एग्री। आप डर, अच्छा आप डर क्यों रहे हैं? मेरे को एक बात बताएं मैं एडम भाई, डरूंगा क्यों आप जी आपसे? तो आप मेरी बात आपने ही नहीं सुने, आप कंफर्म कर जवाब भी दिया नहीं दे ना, रहे। आपने जोफी कंफर्म सर कर जी, दिया, आपने कंफर्म कर दिया ना, आप पीडोफाइल है आपके मेरी, रसूल आपने ना? मुझसे कहा कि हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, फिर आप दूसरा सवाल पूछिएगा, ठीक हाँ है? आप डन डर रहे हैं, डन, आपने, हाँ मैंने आपको जवाब अरे दिया, अब आप पूछ मेरा के, सवाल सुन ही नहीं रहे जूफी हैं जूफी 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 जूफी, आपने जो जी भाई। जवाब दिया है उस जवाब के हिसाब से आपके रसूलुल्लाह पीडोफाइल होते हैं या नहीं होते? अरे अच्छा ये स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, ठीक है? आपने आपसे कहा था, आप पूछ एक रहे बात हैं, का जवाब, तो मैं साहिल भाई आप ही को जवाब दे रही हूँ कि आपने मुझे कहा कि तुम एक एक चीज का जवाब दो, फिर हम तुम्हारी सुनेंगे। मैंने आपको जवाब दिया, तो अब आप इसका अपने जवाब तो स्टेटमेंट्स रखते दो, रहे, लेकिन अब मेरी अपॉर्चुनिटी बन रही है कि मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं, पर आप मुझे पूछने पूछ नहीं दे रहे। लेना, आप डर लेकिन क्यों रहे हैं जो मैं पीडोफाइल, पूछने वाली हूँ उस चीज के? जोफी जोफी पूछ लेना, लेकिन ये तो साबित हो गया ना कि आपके रसूलुल्लाह पीडोफाइल थे, तो मैंने तो ऐसा जोफी नहीं जैसे कहा, बोल दो तो फिर आपकी क्या है, फिर क्या है, डेफिनेशन फिर से साबित हो गया। आपकी डेफिनेशन के मुताबिक तो है ना? देखिए मेरी बात सुने, अगर आप सिर्फ अकेले, यार देखिए ये कसम आप खा के खौफ क्यों आती खा है रहे रफी, हैं भाई? भाई आप खौफ ये क्यों खा कसम रहे हैं? खा के आप भाई आती है कि खौफ क्यों खा मैं रहे नबी हैं? के लिए कुछ भी नहीं बोलूंगी, ये कसम खा के बिल्कुल आती है, क्यों? अच्छा क्या मुझे बताएं, मुझे डर बताएं, एडम 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 भाई आप भी क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं ना, राइट? तो जी अगर बिल्कुल आज फॉलो करता हूँ, कोई जीसस के लिए कोई ऐसी कोई बात बोलेगा, ठीक है, कोई माँ मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कोई कुछ कहेगा, तो आप ऑब्वियसली आप ट्राई करेंगे कि आप उससे डिफेंड करें, ठीक है? तोहमत लगाएंगे, तो जैसे उनपे लगाई गई थी यहूदियों के द्वारा भी अगर और दूसरों भी अगर वो लगाते हैं, बात, ठीक हाँ है? तो सुन ले आज सुन अगर आप मुझे ले सुने, कहेंगे जी 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 अब आंसर ले, अगर वो बात बिब्लिकली प्रूवन है तो मैं ऐसे खुदा को ही छोड़ दूंगा। वाह 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 वाह, सलूट है, सलूट एडम साहब को, क्या भाई? सलूट। भाई रिपीट करें, सॉरी रिपीट करें। मैंने कहा ऐसा खुदा और ऐसा नबी, अगर वो बिब्लिकली प्रूव हो जाए तो मैं ऐसे खुदा को क्यों मानूं, मैं उसे ही छोड़ दूंगा, और बताओ। सलूट है, चलो एक सवाल ईमान अभी ईमान की तुम्हारा हो बात गया। होती है। एक मिनट जूफी, एक अरे मिनट, मैंने तुम नहीं, तुमने जो गेम खेली है उसके हिसाब से ही हम चलेंगे ना। आपने कहा कि एक सवाल मुझसे पूछो, एक सवाल मैं पूछूंगी, फिर एक सवाल मुझसे। अब तुमने सवाल किया, उन्होंने जवाब दे दिया, अब आपके ऊपर सवाल फिर से वही बनता है कि क्या आपके नबी आपके डेफिनेशन के हिसाब से पीडोफाइल हुए या नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो किस तरीके से, ये आप जवाब देना। आप ठीक है, पहली चीज तो ये कि नहीं, मैं नहीं मानती हूँ कि वो पीड़ो थे, ठीक है? अभी और जी आपकी बिल्कुल, डेफिनेशन से तो है वो आप पीडो,
क्या थे वो, अगर पेडोफाइल नहीं थे तो क्या थे? क्या 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 होता है ना कि जब इंसान का वजूद घबराने लगता है ना, खुदा और उसके लोगों से भागने लगता है, तो ऐसा ही होता है। नहीं करें सरकैज़म, नहीं करें यहाँ पे, मैं बिल्कुल सरकैज़म नहीं करूंगी। तलवे के नीचे अल्लाह लिखा हुआ, मोहम्मद का अल्लाह मेरे जूते के तलवे के नीचे लिखा हुआ, आपको दिखा देता हूँ। सो मुझे ऊपर सरकास्टिक रिमार्क देने से पहले बहन और भाई लोग सबको मैंने बताया हुआ है, मेरे ऊपर सरकैज़म, मेरे ऊपर अटैक, पर्सनल अटैक करने से पहले 100 दफा सोचा करो। Like seriously speaking, you gotta think 200 times before you will give me a sarcastic remark against me. I will not bear it. Main kabhi bear nahi karunga. Mere upar aur meri family ke upar. You are never supposed to put an ilzam. Baki duniya ki kisi cheez ke upar aap ilzam dharo, use evidence ke sath prove karo. I will listen to you. Magar is type ke sarcastic remarks laoge, main Muhammad aur Allah ko wahan pe rakhunga jahan pe rakhne ki zarurat hai. So don't you ever do that again. Now, once again, आपने सवाल किया था, मैंने आपका उसी वक्त रन टाइम जवाब दिया। आपको क्यों डर है? क्योंकि आपका नबी ऐसा था ना, पेडोफाइल था ना, डिक्शनरी के मुताबिक वो पूरा पेडोफिलिया के ऊपर पूरा उतरता है। दिस इज द रियलिटी। ठीक है भाई, एक तो सबसे पहले आप काम डाउन हो जाएं, ठीक है? पर्सनल अटैक नहीं आपको बुरा है, मैंने आपके ऊपर बिल्कुल ऐसा कोई खासी पर्सनल अटैक नहीं किया है, ठीक है? पेडोफाइल नबी के डिस्कशन पे आओ प्लीज। जी भाई, आपको पेडोफाइल और को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही बात कर, तो मैं आपको पहले हम आते हैं अल्लाह के नबी पर आते हैं, पर पहले हम अल्लाह पे बात करें फिर उसके नबी पर आते हैं, क्या कहते हो? अब सहल भाई, ये जो इंजीनियर मिर्जा वाली वीडियो मैंने दी थी आपको, बिल्कुल वही बात है कि इन पे बात ही नहीं करनी है, सिर्फ अल्लाह के वजूद पे बात करनी है। मैं करूंगी पहले, क्योंकि देखिए हमारे लिए क्या है नबी, एवरीवन जी, लेट्स टॉक अबाउट अल्लाह का, अल्लाह के ऊपर जी, अल्लाह पे क्या बात करनी है आपने? चले अल्लाह पे बात करते हैं। मैंने ना पहले भी देखा था कि लाइक समबडी आस्क्ड यू कि अल्लाह कौन होते हैं, ठीक है, आप इसे गूगल करें। वैसे मैंने वो लाइव देखी थी पूरी, ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक देखी थी, समबडी वाज आस्किंग अबाउट ह्यूमैनिटी, साहिल भाई ने सवाल पे घुमा दिया था, सवाल पे आओ, ठीक है, हाँ, तो मुद्दे पे आती हूँ कि उन्होंने आपसे पूछा था कि आप अल्लाह को डिफाइन करें थ्रू गूगल, तो आपने ना कलमा निकाल के दिखा दिया था, तो इस बार मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अल्लाह का एग्जैक्ट मीनिंग बताएं। मैंने उसको भी बंदे को ये कहा था और आपको भी ये कहता हूँ, आप मुझे बता दो अल्लाह का मीनिंग क्या है। लेट्स लुक इनटू इट कि आपके मुताबिक अल्लाह का मीनिंग क्या है। गॉड, गॉड, ओके। सो अगर आप मुझे कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड बट गॉड, दैट्स ऑक्सीमोरॉन स्टेटमेंट, इट्स एन ऑक्सीमोरॉन स्टेटमेंट। डू यू नो व्हाट एन ऑक्सीमोरॉन स्टेटमेंट इज? भाई आप ही बता दें। How can you put a statement? ये statement ऐसी है, कोई इंसान नहीं है इंसान के सिवा। एक चीज पूछो भाई, मतलब आपको यही बोला ना, अब मैं बोलूं? ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जो अपने आप को खुद ही रिजेक्ट करती है, निगेट करती है, दैट इज कॉल्ड एन ऑक्सीमोरॉन स्टेटमेंट। ओके, सो मैं अगर कहूं कोई इंसान नहीं है इंसानों के सिवा, ये अपने आप को खुद ही रिजेक्ट कर रही है। कोई खुदा अल्लाह नहीं, कोई कोई गॉड नहीं है गॉड के सिवा, दिस इज रिजेक्टिंग इटसेल्फ। कोई गॉड नहीं है गॉड के सिवा, नाउ दिस इज रिजेक्टिंग इटसेल्फ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नाउ देयर इज नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह। इलाह डज नॉट मींस वर्शिप, इलाह डज नॉट मींस वर्शिप। Who the भाई, hell are you learning Arabic भाई from? चीखने, भाई चीखने से, मुझे भाई चीखने से, Hello, listen, भाई चीखने से हम सही नहीं हो जाते ना? अरे तुम्हारी बकवास करने से तुम सही साबित नहीं होती। मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह तहम्मुल से बात करें, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह में वर्दी ऑफ वर्शिप किस लफ्ज की ट्रांसलेशन की है आपने, जरा बताएंगे? अच्छा चले मैं आपको मौलाना मान लेती हूँ, ठीक है, आपकी अरबिक को मान लेती हूँ। You don't have to do that. ठीक है। तो यार भाई एक तो चीख चीख के कहते हैं मेरी बात माने। Worship किसे कहते हैं? एक तो worship, worship की Arabic क्या होती है? आप बताएं भाई, मैं तो आपसे सीख रही हूँ अभी। इबादत। फिलहाल तो बहुत कुछ। इबादत। और worship क्या होता है? इबादा, इबादा। Worship, worship इबादा होता है ना? जी।
जी, और दूसरी बात क्या बोल रहे थे इससे पहले आप? ओके, सो ला इलाहा इल्लल्लाह में इबादा कहाँ लिखा हुआ है? आप बताए ना, मैं आपसे सीख रही हूँ अभी अभी, तो इतना कुछ आप सिखा रहे हैं। इबादा का वर्ड आया है, हाँ या ना? भाई चीखे नहीं ना, मैं सीख रही हूँ आपसे। इबादा का वर्ड आया? एक मिनट एडम साहब, एक मिनट, आपकी अरबिक मुझसे बेटर है, आप मुझे आप ही पढ़ के बता दें। एक मिनट रुको जूफी, बार बार पहले तो आप ये मत कहो चीखे चीखे, ये एडम साहब का नॉर्मल टोन है, ठीक है? प्लीज ये वर्ड बार भाई बार मैं क्या पहली बार आई हूँ ना, मैं पहली बार आई हूँ ना, तो इसीलिए मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं इसीलिए ना जी अभी बता जी 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 थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू। और दूसरा और स्मार्ट ना बने जूफी जी, सबको समझ में आ रहा है, इसको पता लग, सबको पता है। अच्छा मुझे बताओ इबादा कहाँ पे है? भाई स्मार्ट रहना तो अच्छी बात होती है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह में इबादा कहाँ है? भाई आपके अरबिक मुझसे बेटर है, मैं बिल्कुल मान रही हूँ, ठीक है? ओके सर, तो मैं चाह रही हूँ कि आप ही मुझे बताएं, आप ही मुझे बताएं। मैं बता रहा हूँ, तुम सुन नहीं रही हो, कानों से चवनिया निकालो जी। सॉरी, अब मैं सुनूंगी, आप बोले। देयर इज नो गॉड बट गॉड, इट इज एन ऑक्सीमोरॉन स्टेटमेंट। कोई खुदा नहीं है खुदा के सिवा, ये ऑक्सीमोरॉन स्टेटमेंट है, कंट्राडिक्टिंग इटसेल्फ है। कोई इबादत के लायक नहीं है अल्लाह के सिवा, ये अरबी में लिखा ही नहीं हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह में। So, आपने अब साबित करना है कि हाउ वेदर यू विल टेक ला इलाहा इल्लल्लाह को देर इज नो गॉड बट अल्लाह, या आपने इसको लेना है देर इज नो गॉड बट गॉड, क्योंकि इबादत का लफ्ज नहीं है अरबी में। जी चलिए ठीक है, तो आप अल्लाह तक तो आई गए, ठीक है, कि देर इज नो गॉड बट गॉड, सारी बात समझ में आ गई मुझे। देर इज नो गॉड बट गॉड इज एन ऑक्सीमोरॉन स्टेटमेंट, यू कैन नॉट टेक इट एज अ स्टेटमेंट। ये भी जी 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 मैंने ये बात भी सुन ली आपकी। तो आप कौन से धर्म को फॉलो करते, मैं जान सकती हूँ? अभी तुमने पहले खुद भौंका था कि मैं किस धर्म से ताल्लुक रखता हूं। तो अब भाई यार देखिए, मैं आपसे कितना, व्हाई आर यू आस्किंग मी अगेन, व्हाई आर यू आस्किंग मी अगेन, मत करें यार, व्हाई आर यू आस्किंग मी अगेन। तो हां, ऐसे में क्रॉस चेक कर रही थी आपके स्टेटमेंट, मेरे को कभी-कभी ऐसा लगने लगता है, व्हाई आर यू आस्किंग, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम, आई विल गिव यू लिटरली 10 मिनट्स, नथिंग मोर देन दैट। मैं बता रही हूँ ना, आपके स्टेटमेंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए क्रॉस चेक कर रही थी। तो आप आस्क योर क्वेश्चन जी, आस्क योर क्वेश्चन। तो भाई क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, तो क्रिश्चियनिटी में जो एथिस्ट होते हैं उनके लिए क्या रूल होगा आपके यहाँ पे? टॉपिक चेंज। एथिस्ट का क्या रूल होगा ये तुम्हारा, तुम्हें बताऊंगा मैं, तुम एथिस्ट हो, जब एथिस्ट बन जाओगी आना बताऊंगा आगे। भाई सेम गोज विद यू ना, कि आप तो मुस्लिम है ही नहीं, आप मुस्लिम ही नहीं है फिर आप क्यों हदीसों की बातें करते हैं? तो बताऊंगा, क्योंकि मैं मुस्लिम हो जाए फिर आना बात करने। ओके डन, बेहतरीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान हो गया हूं। हां जी, मोहम्मद एक कुत्ता नबी था। आइए यार, ये तो आप अपने यार, इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलमा शहादत पढ़ने के अलावा कुछ करना पड़ता है? नहीं, हम एक्स मुस्लिम है, वी लिव्ड एज ए मुस्लिम, वी ओबेड द लॉज ऑफ इस्लाम, एंड नाउ आफ्टर नोइंग इस्लाम वी लेफ्ट इस्लाम, वी हैव ऑल द राइट टू स्पीक अबाउट इस्लाम, बिकॉज तुम लोग हमें हमारी अपनी कंट्री में जिंदा नहीं रहने देते। मेरे पास सबसे ज्यादा हक है बोलने का इस्लाम के बारे में, क्योंकि मुझे मेरी कंट्री में तुम लोगों ने बाय लॉ मुलजिम बना दिया हुआ, मेरी अपनी कंट्री में जहां मैं पैदा हुआ, जहां पे मैंने एक रुपए की चोरी नहीं की, उस कंट्री में मुझे मुलजिम बना दिया हुआ तुम लोगों ने, तुम्हारी इस आइडियोलॉजी ने, तुम्हारी स्ट्यूपिड इडियोटिक, एक मजीद लफ्ज ही बोलने जा रहा है, एक लड़की यहां बैठी हुई है, बड़ा मैं बोल देने थे चार पांच बोले, सिर्फ इस वजह से कि एक फेक प्रॉफिट को मैंने फेक प्रॉफिट बोला है और एक फेक खुदा को फेक खुदा बोला है, क्योंकि वो है फेक खुदा और क्योंकि वो फेक प्रॉफिट है, एक पीडोफाइल है, एक रेपिस्ट है, एक चाइल्ड मोलेस्टर है, शैतान का फॉलोवर था वो, और एडम साहब हक क्या है? मेरे पास हक क्या है? सबसे ज्यादा हक मेरे पास है। सॉरी साहिल भाई, नहीं नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है एडम साहब, और लेकिन इसने नबी के ऊपर भी इसको रहना नहीं है। अब अल्लाह के डिस्कशन से हट के तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म में, तुम्हारे क्रिश्चियनिटी में एथियस्ट को क्या सजा है? भाई तुम फिर से अपने टॉपिक से भाग रही हो, मतलब तुमने कसम खा के आई हो कि मैं ना अल्लाह पे बात करूंगी ना मैं रसूलुल्लाह पे बात करूंगी। तो बहन वीडियो बनाना छोड़ दे, इस्लाम का दिफा करना छोड़ दे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इस्लाम का दिफा करना है ही नहीं।
क्योंकि अगर तुम्हारे नबी और तुम्हारा अल्लाह इतना अच्छा होता तो तुमको क्या कहते हैं उसको शान के साथ आना चाहिए था। अरे तुम लोग क्या बात करते हो, मैं तुमको दिखाती हूं मेरे नबी की अच्छाई, ये होना चाहिए था। बाकी लोगों को तो बहुत नबी नबी करते हो, हमारे सामने नबी की बात नहीं करना चाहते हो, डरते हो, क्या हो गया आज? अब अल्लाह से भी भाग गई है, हर जगह से भाग गई है। अब कहती है कि हाँ इस्लाम के बारे में बोल क्यों रहा हूं। अब यार डंगर, तुम मुझे बोलो कि मेरे मुताबिक मुसलमान कहाँ होंगे, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। जो एथियस्ट आया उसको मैंने अपने चैनल के ऊपर जवाब दिया कहाँ होंगे, किस तरह होंगे और किस तरह की जजमेंट होगी उनके साथ, वो मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है नॉन मुस्लिम स्ट्रीम के अंदर। तुम मुसलमान हो, तुम मुझसे पूछो मेरे मुताबिक मुसलमान और मोहम्मद कहाँ होगा, मैं बताता हूँ। ये पूछना है जुफी साहब, जुफी जी वो बताओ, वो पूछो, ये पूछना है मुसलमान और मोहम्मद साहब कहाँ होंगे इनके मजहब के हिसाब से, यानी इनके क्रिश्चियनिटी के हिसाब से। जुफी अनम्यूट करके ये सवाल जी, है तो जी 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 क्या भाई, मैं बस दो बात बोल के जा रही हूँ, मैं जी मैं सिर्फ दो बात बोल कर जा रही हूँ। मोहम्मद कहाँ होगा मेरे मुताबिक? नहीं भाई, मैं आपसे कुछ और दो सवाल पूछ के निकल रही हूँ, बस जा ही रही हूँ। मैं पूछता हूँ मोहम्मद कहाँ होगा, मैं बताता हूँ। आपने आपने भाई देखे, आप इतनी सारी बात बोली, आपने गाली दी, ये दी, वो दी, ठीक है। मोहम्मद जो है, आपका कैलिबर ही नहीं कि आप एक लड़की की बात सुने, आपका कैलिबर, आप इस्लाम के लिए बोलते हैं इस्लाम। नहीं, मैं लड़कियों की बात सुनता हूँ, बगैरतों की नहीं। मोहम्मद जो है वो जीसस क्राइस्ट के पैरों के नीचे होगा उस वक्त, लिटरली स्पीकिंग, क्यामत वाले दिन, क्योंकि वो पैरों के नीचे बैठ के रो रहा होगा कि मैंने एक फेक खुदा को खुदा बनाया, मैंने चाइल्ड मोलेस्टिंग की, मैंने रेपिंग की, मैंने स्लेव्स बनाई, मैंने लड़कियों का कारोबार किया, उनको बांटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। वो क्राइस्ट के पैरों के नीचे होगा उस वक्त, तलवे चाट रहा होगा, प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। और हाँ, लड़की हो या लड़का हो, मैं वुमेन को बराबर राइट्स देता हूं मर्द के, क्योंकि आप लोग बराबरी के राइट्स मांगती हो, एंड आई एम गिविंग यू इक्वल राइट्स जस्ट लाइक यू वांट इट टू। या तो मुझे कहो कि तुम हाफ ब्रेन हो और दीन में भी हाफ हो, लिहाजा मुझे आपके साथ एक्सप्लिसिटली लोअर लेवल पे चलना है, तो ये बोल दो तो मैं आपसे लोअर लेवल पे चलूंगा, वरना मुझे ये ना कहो मैंने क्या किया, मैंने आपको गाली नहीं दी। अल्लाह आपको गाली कुरान में जरूर देता है, अल्लाह कुरान में आपको अल कहबा कहता है, कहबे का मतलब है रंडिया, सॉरी, अल्लाह से पूछो। सो डोंट अगर चीखने और रोने से कुछ होता तो सारे रेपिस्ट बाहर घूम रहे होते सड़कों पर आज भी, जेल से निकल के कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जितनी औरतों का उसने रेप किया, जैसा कि आपने कहा रेपिस्ट जो होते हैं ना बाहर सड़कों पर घूम रहे होते, इसी तरीके से मोहम्मद जन्नत में भी नहीं जा सकेगा, वो जहन्नम में ही सड़ेगा, क्योंकि जितनी औरतों का उसने रेप किया और जितनी औरतों का रेप करवाया है वो आजाद नहीं फैल सकता। बेहतरीन एग्जाम्पल दिया बहन आपने, बेहतरीन एग्जाम्पल दिए। अगली एग्जाम्पल दें, दया आ रही है आप पर। मेरे पे ध्यान ना कैसे एक लड़की कैसे कैसे एक लड़की के सामने खौफ सा आ रहा है आप लोगों को कि एक ओपन डिबेट नहीं कर। ओवर कॉन्फिडेंट हैं आप, ओवर कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंस की आपको फरमा ऐसी है कि आप एक अपने नबी को पीडोफाइल साबित किया, फिर आप अल्लाह पे गई और अब भी आप जो है ना पर्सनल अटैक ही कर रही है, और आपको पता है पर्सनल अटैक की तो मैं मार देता हूं ना, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो बाय द वे सीरियसली क्या कॉन्फिडेंस है यार एडम ये लड़की का, साहिल इतना कॉन्फिडेंस अगर चाहिए हो तो और क्या चाहिए ना। साहिल ये वाली जो गेम है ना विक्टिम कार्ड मेंटालिटी, दे आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अबे मुद्दे पे आ, टाइमर लगवा के बात करनी है टाइमर लगवा ले, मुद्दे पे आ, पर्सनल अटैक ना कर। मुद्दे पर तो आप डर जाते हैं, आप बात ही नहीं करते हैं, आप अपनी बात ऊपर रखने लग जाता है। लो जी दोस्तों भाइयों, इन्होंने अभी तक मुद्दे पे एक सवाल किया था, मैंने टक करके जवाब दे दिया था, अब ये कह रही है मैं इस्लाम पे बोल क्यों रहा हूँ, इसने अल्लाह पे बात करनी थी, अल्लाह पे एक बात नहीं की इसने, क्या अल्लाह पे बात करनी है, अल्लाह को साबित तो कर है। आप 6 घंटे से
हमारे प्रॉफिट पे बात कर रहे हैं, हमारे सहाबाओं पे बात कर रहे हैं। मैंने सिर्फ एक सवाल, भाई मेरा मैंने एक सवाल खाली क्रिश्चियनिटी पे कर लिया और आप सब हिल गए, सब हिल गए। आपने कहा मैं क्यों बात करूंगा, है ना, जब मैं जब तुम आ जाओगी क्रिश्चियनिटी पे फिर बात करूंगा। सेम गोज विद यू इस्लाम में। मतलब एक सेकंड भाई लोगों, मैंने कभी से कहा क्रिश्चियन हो जाए तो बात करूंगा? का है साहिल, मैंने कब कहा जब क्रिश्चियन हो जाएगी तो बात करूंगा? नहीं, एथियस्ट होगी तो एथियस्म पे बात कर, एथिज्म पे बात नहीं करनी है, एथिस्ट हो जाए फिर एथिस्म पे बात करें। क्योंकि अभी ये कह कि जी सपोज कर लो देयर इज नो गॉड, भाई मैं तुमसे एथिस्म पे बात क्यों करूं? आर यू एन एथिस्ट? टॉक टू मी एज अ मुस्लिम। एथिस्ट आएगा तो मुझसे एथिस्म पे बात करेगा? यू आर अ मुस्लिम, टॉक टू मी एज अ मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम टॉकिंग टू यू एज अ मुस्लिम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुस्लिम की तरह बात कर रही हूँ। लेकिन लेकिन मेरी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे सवाल कर रही हूँ। जी मैं सवाल कर रही हूँ, मैं बिल्कुल मुस्लिम की तरह ही कर रही हूँ। और सपोज एक मुस्लिम भी जानना चाहेगा, क्यूरियस होगा अबाउट यू एंड योर धर्म, तो आप मुझे उस चीज का जवाब दें कि एथिस्ट के लिए क्रिश्चियन, एथिस्ट के लिए, चल बेटा निकल अब, लो साहिल मैं ऐसे निकाल दूं, फिर एथिस्ट के लिए, फिर आगे मैं एज ए मुस्लिम बात कर रही हूँ, एज ए मुस्लिम बात कर रही हूँ। एथियस्ट के लिए, एथियस्ट के लिए, मैं एज ए मुस्लिम बात कर रही हूँ, एथियस्ट के लिए। अब ये डंगर है, तुझे बताया तू, अच्छा वैसे बात बात सुन, जाने से पहले तू सुन ले, तू स्पेशली जहन्नम में जाएगी, तू जाएगी, तू एथियस्ट हो जाए तब भी जाएगी, तू मुसलमान रहे तू तब भी जाएगी, तू दुनिया में कुछ भी बन जाए तू तो जाएगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। चाहे मुझे जाके क्राइस्ट के सामने लम्बे पै के जमीन पे लेट के सर जमीन पे रख के मिनते क्यों ना करनी पड़े, तेरे को जहन्नम जरूर भेजना है मैंने। और बता, जस्टिस फॉर आयशा, क्योंकि जो आयशा के साथ जस्टिस नहीं कर सका अपनी मां के साथ, जिसको 9 साल की उम्र में मोहम्मद ने अच्छे तरीके से रगड़ा, ऐसी औरत को मैं औरत भी नहीं समझता। वो यार, वो यार, वो यहाँ पे इंडिया में वो तो होते हैं ना, वो यार वो क्या कहते हैं, असुर वाले जो होते हैं, रावण टाइप चीज, वो लड़कियों में राक्षस होते, उसे क्या कहते हैं? लड़की में राक्षस, राक्षस नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, राक्षसी का यार, राक्षस का फीमेल वर्जन क्या होता है भाई लोग बताओ जरा, हमारे फीमेल राक्षस बोल दीजिए ना, चुड़ैल है, चुड़ैल कहां से आ गई? तू बेटा फीमेल राक्षस है, तू राक्षसनी है, राक्षसनी है बेटा, राक्षसनी, तुझे तो जहन्नम में जाने का ही जाने का। अच्छा लेकिन जूफी एक बात बोले यार, मुझे एक बात समझा, मैं सच्ची में समझना चाहता हूँ कि तुम अपने नबी पे बात करना क्यों नहीं चाहती हो? तुम उस दिन भी आई, उस दिन भी भागी तुम नबी से, भाई आप मुझे किसी, साहिल भाई आप मुझे किसी गलत लड़की से रिलेट कर रहे हैं, बा खुदा आप मुझे किसी गलत लड़की से रिलेट कर रहे हैं। दूफी जी, अल्लाह की कसम खाओ कि तुम आज फर्स्ट टाइम आई हो इधर, खुदा की कसम भाई, खुदा की कसम, खुदा भाई, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, जी जी भाई, मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ, ये मेरा पहली दफा है, बिल्कुल पहली दफा है, पता नहीं आप, और मुझे ये भाई मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि आप पता नहीं किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने मुझे वीडियो भी दिखाई। अरे जूफी जी ठीक है, साहिल भाई ये नहीं, वो मरियम नहीं है जी। अच्छा मरियम नहीं है ये? नहीं नहीं, मरियम फेडोफाइल मूवमेंट को आगे चला रही है बेचारी, उसको टाइम नहीं मिल रहा है आने का। नहीं ये मुझे, क्योंकि वो जितनी बातें हैं ये वही कर रही है जो वो आके उस दिन करी थी, और वो भी अपने नबी पे एक एक चीज भी वो डिस्कशन करने से भाग रही थी, और ये भी भाग रही है। नहीं अभी मरियम नहीं, मैं बिल्कुल, मैं भागी नहीं भाई, साहिल भाई मैं बिल्कुल भागी नहीं हूँ, मैं अभी भी यही हूँ। लेकिन एडम भाई क्या है ना कि थोड़े से हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि ये ना हम, मैं 15 साल की थी ना, मैं एडम भाई हाइपर हो जाते हैं। असल में प्रॉब्लम यह है कि इसे पता है कि अपने नबी को डिफेंड कर ही नहीं सकती, नबी से अल्लाह पे गई, अब अल्लाह से भी भाग गई, तो मैंने तो कहा अल्लाह पे बात कर ले, अल्लाह से भी भाग गई, अच्छा क्रिश्चियनिटी पे सवाल कर ले, वहां से भी भाग गई। भाई तू सवाल करना एथियस क्यों बन रही है, अपनी तरफ से सवाल करना, तो मैंने तो ओपन दे दिया तुझे भी, मैं वहां से साबित करूंगा। एडम साहब देखो ये चीज बनती नहीं है, लॉजिकली सही नहीं है मोमिनों के लिए कि वो पहले अल्लाह पे बात करे, क्योंकि इनको अल्लाह का पता बताने वाले ही मोहम्मद साहब है। Exactly. अगर मोहम्मद साहब बताते नहीं तो इनको अल्लाह के बारे में क्या पता था कि वो सात आसमान के ऊपर है।
नहीं नहीं उनको चेहरा पता है था उसका, दो हाथ है, अल्लाह एक अल्लाह पे गॉड तो है। डिस्कशन पहले बनता ही नहीं है, क्योंकि उसको बताने वाले पे पहले डिस्कशन होगा। क्योंकि इन सबको पता था कि अल्लाह एक मून गॉड है उस जमाने में। तो जूफी जी आपका अल्लाह पे डिस्कशन पहले बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर भाई नबी हमारा, आपको नहीं बताते। मैं अल्लाह पर गॉड पे बिल्कुल डिस्कशन करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, पर आप पता है क्या, आप मुझे क्लियर ही नहीं, नहीं कर क्यों रहे हो कि करेंगे आप लेकिन कौन आप हो, जूफी जूफी आप नहीं कौन नहीं एक है, मिनट रुको क्योंकि जूफी फिर आपने जूफी आपने अल्लाह डिबेट पे ओपन क्यों करी है भाई। ना 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 एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अल्लाह के बारे में आपको किसने बताया? वो किसी ने भी बताया, पर आप ना मेरे ना 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 हालांकि नहीं, को किसी ने नहीं बताया, मोहम्मद साहब ने बताया। डोंट बी डिसऑनेस्ट। आपको अल्लाह के बारे नहीं, में किसने बताया? मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को, मैंने आपको झूठ नहीं बोला, मैंने आपको कहा है कि किसी ने भी बताया, किसी ने नहीं किसने बताया, किसने ये नहीं कहा है, किसने ठीक है। किसने तो किसने आप बताया अच्छा, हम आपको अल्लाह किसने पे इतना बताया वो है, मैं मेरी बात सुनो, मैं किसने मोहम्मद बताया सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह के वसल्लम पे बारे भी में? बात करूंगी, नहीं नहीं आप मेरी अरे बात सुनेंगे ना 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 ना, आप पे कोई, जी। हो आपके साथ कोई दूसरा डिस्कशन इस वजह से नहीं हो जी, सकता सल्लल्लाहु अलैहि क्योंकि वसल्लम ने ही बताया है हमको, बिल्कुल हमारे एग्जैक्टली प्यारे नबी ने बताया तो है, रुको, जो बड़ी शानों तो वाले हैं जी, कौन उन्होंने शान वाला है? बताया है इतनी जी। शान वाला अच्छा है कि पीडोफाइल आप डायरेक्ट, है, आप पीडोफाइलिंग, पीडोफाइल अच्छा करता था, सुने, हाँ मैं पीडोफाइल। बिल्कुल, हम हुजूर, अच्छा मैं वादा पीडोफाइल करती नबी हूँ को आपसे कि शान मैं वाला कहती प्रॉफिट है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात वुमेन करूंगी, मैं वादा कर रही मोलेस्टर। हूँ, ठीक है, नहीं जूफी ठीक है। मैंने, जूफी रुक आप जा साहिल यार, भाई, मैं रुक वादा कर रही जा, हूँ ना, कितना बोलती है, रुक जा रुक जा रुक जा, तेरा आप दोनों वादा ने तो टाइम वेस्ट बोल नहीं कर, तो चाहिए, रुक टाइम वेस्ट जा। कर रहे हैं, मैं बता टाइम, दूं, टाइम हाँ वेस्ट टाइम कर रहे हैं। वेस्ट कर रहे हो। आपको एक लास्ट चांस दिया जाता है। ये जो शान वाले नबी की जिसने जो आपने अभी बात बोली है, क्या आपने नबी को शान वाला साबित कर सकती है? मैं बिल्कुल करूंगी, पहले आप दोनों मुझे चल जा, तेरे बस की बात ही नहीं है, बिल्कुल करूंगी भी। और ये वही है, झूठ बोल रही है, इसने अल्लाह की कसम भी झूठ भाई बोली है। सर जी, सिर्फ 10 मस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाना ना, भाई अल्लाह कहने के बाद। हाँ सर आप ये भूल गए हैं मेरे अच्छा, कहने। एक का ये कितने टाइम पे आई थी अमित, वो पहले वाली स्ट्रीम निकालो, ये देखो अब भी साबित हो जाएगा। पहले वाली स्ट्रीम में जब ये आई थी ना, नहीं मेरे नहीं ख्याल से नहीं लास्ट ये वो फ्राइडे नहीं, को वो आई नहीं थी। है, अरे ये वो नहीं अरे है भाई, वो भाई 110% वही है, तुम फ्राइडे वाली स्ट्रीम निकालो, लास्ट वाली तो मैं जब निकालता वो हूँ। सभा आई थी। हाँ 110% वही है, साहिल सिर्फ उसने दस भी मिसकीनों का यही खाना ही तो बातें की थी। खिलाना है, और क्या हाँ ये करना है, दस झूठी है, मिसकीनों का वही खाना है। खिलाओ, गेम खत्म, अल्लाह की कसम खा लो, तूने अल्लाह की खिलवाई थी, मैं तो इसलिए माँ की खिलवाता हूँ। इतने डिसऑनेस्ट कैसे हो सकते हैं यार ये लोग, कि इतने डिसऑनेस्ट कैसे हो सकते हैं? ये 110% वही है, और इसने ये उस दिन भी इसने यही बात बोली थी कि मैं बिल्कुल बात करूंगी, मैं बिल्कुल बात करूंगी, लेकिन पहले मेरा सवाल, मैं बिल्कुल बात करूंगी लेकिन पहले मेरा सवाल। और लास्ट तक उससे लास्ट में असल में ये अभी इसकी झूठी कसम खाने की वजह ये है, क्योंकि लास्ट में मैंने उससे मनवा लिया था कि जो जब तू नेक्स्ट टाइम आएगी तो तू पीडोफाइल नबी के ऊपर बात करेगी। अब चूंकि वहां पे उस दिन उससे मैंने मनवा लिया था, इस वजह से ये आज अपने आप को कबूल नहीं कर रही कि मैं वही हूं, क्योंकि फंस जाएगी। हाँ लगाओ। हाँ भाई, मैं क्या बोल रही हूँ, आप अरे मेरे तो सवाल वही का है, जवाब दो। वही है, 100% वही है। हाँ हाँ वही है, वही है। अभी अभी उस पर हम लोग इंसेस्ट पे बात करेंगे, ये एडम क्या, ईव ये पे बात आज वाली करोगे, लड़की है, वो क्रिश्चियनिटी कब में वाली है? पूरे, मेरी ठीक, बात आप सुनो भाई, वही है, क्रिश्चियनिटी में, ये वही है ये वही है, यार। वही है। आप तू अमित लोग पीछे बोल रहा है कि मुसलमान नहीं है? हजरात, एडम साहब, अभी मुसलमान मोमिन हजरात को खुद सोचना चाहिए कि आपके लोग कितने बड़े धोखेबाज होते हैं। अल्लाह की कसम झूठी खा के गई है यार, ये मुसलमान है, तो सर है ना, अल्लाह की तभी तो खा के कसम गई है झूठ, झूठी, क्योंकि कफारा दे देगी ना। मोहम्मद मोहम्मद भी झूठी गई, कुफारा दे देगी। दैट्स द होल आइडिया माय फ्रेंड। फिर से लगाओ, 10-12 सेकंड चलने दो। भी है आप जुडाइज्म में, भी में है वो हर धर्म में, आई ये ठीक है हर धर्म में, ठीक यही है, है कि एडम और ईव थे और वहीं से फिर इंसान पैदा हुआ है। तो सिर्फ मैं आप क्रिश्चियनिटी पे भी इंसान बात करूंगी, पैदावार मैं है, जुडाइज्म पे भी बात झूठो करूंगी, चूर सुनिए ना, मैं चिताली। जुडाइज्म पे भी बात करूंगी ना, एक ना मैं आप जुडाइज्म के भी मेरी बात बात सुनो, आप करूंगी, जो मेरे पे लेकिन बोल रहे हो पहले मेरा भाई, सवाल। सभा जी भड़कना नहीं मैं नहीं है, बिल्कुल नहीं आराम भड़क से रही हूँ, बोल।
आपको क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म के लिए दूसरे चैनल्स है, आप वहां पे जाके इंसानियत की पैदावार आप बोल रहे हो, मैं आपको क्या बोल रही हूँ? जब आप मेरे से सवाल पूछोगे भाई तो मैं आपको जवाब दूंगी, तो आप सुन भी तो लो। इंसेस्ट का जो आप बोल रहे हो एडम और ईव का, वो क्रिश्चियनिटी में भी है, जुडाइज्म में भी है, दुनिया का हर रिलीजन में है। इसका लास्ट में लेके आओ जहाँ पे इसने बोली थी कि मैंने इसको बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब आओगे आप तो पीडोफाइल नबी पे बात करोगे। ओ सेकंड टाइम आई, काफी बात भी होगा। नहीं हाँ सेकंड टाइम। चल छोड़ यार, साहिल छोड़, गोली मार, हो गया, पता लग गया। लेकिन लेकिन कितनी आप तो चालाकी कितनी है यार। सर झूठी है ना। प्रिपेयर ऑन पीडोफिलिया प्रोफेट। चलिए आपने उसको गलत बोला, पीडोफिलिया को आप गलत समझते हो। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए चलिए। ये यहाँ पे शुक्र है भाई, सवा शुक्र है, पीडोफिलिया को कम से कम गलत तो बोला इसने। तो ये वही लड़की है 110%। मेरी पूरी जो जायदाद है मैं इस पे वो लगा सकता हूँ कि भाई नहीं नहीं लगाने के, पता लग गया यार, साउंड सेम, साउंड है सेम, वही है, सेम तरीका है, वही, सेम वही आर्गुमेंट है, और वो भाई कहने का स्टाइल भी वही है, लाइक हर लिहाज से। आई मीन यार एडम साहब, आप जो हमेशा बोलते हो कि कितने डिसीविंग है ये लोग। सर ये तो अल्लाह भी डिसीवर है ना, खैरुल माकरीन है ना, तो उसको मानने वाले क्यों नहीं होंगे? जैसा अल्लाह वैसे ही इनके मतलब है। सही है इस्लाम यार, झूठ बोलना सिखाता है। ये बात तो इसने मरियम ने साबित कर दिया आज तो इसने साबित कर दिया मरियम ने। और इसको अगर ये रसूल पे बात नहीं कर सकती तो इसको अपना चैनल ही बंद कर दे भाई, कुछ दूसरा चैनल जैसा बाकी मोमिनाए लोग डांस वांस करके अच्छा जो है फॉलोअर्स फॉलोअर्स बना लिए है, वैसा तू भी कर ले। ये तेरे बस की बात ही नहीं है ये काम करना, रसूल का दिफा तू कर ही नहीं सकती। और ये तूने उस दिन भी साबित किया और तूने आज भी साबित किया, तेरे बस की बात नहीं है सब। ये सब छोड़ो और नाच वाच करो इस पे इंस्टाग्राम पे, अच्छे फॉलोअर्स आपको मिलेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। और पीडोफाइल मूवमेंट चलाते रहो। और